मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज पेश हुए आम बजट की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार का ये बजट जनहित का बजट है और सभी वर्गों का इस बजट में ध्यान रखा गया है। साथ ही उन्होंने कई योजनाओं की भी तारीफ की और कहा कि सरकार की जल जीवन योजना जो कि 2,87,000 करोड़ की है, इससे लोगों के घर जल पहुँचे। साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की भी उन्होंने तारीफ की। भारत सरकार का यह बजट भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। 2021-22 का यह बजट है, यह जनहित का बजट है, यह आम लोगों के हित का बजट है और सभी वर्गों का इसमें विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। जल जीवन योजना जैसी योजना जो घर घर जल पहुंचाने की, उसके लिए 2,87,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। ऐसी और भी अनेक ऐसी योजनाएं हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड का की योजना भी है, बहुत सारे प्रदेशों में यह लागू हो चुकी है लेकिन पूरे देश में यह लागू होगी। एक राशन कार्ड पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी प्रदेश में जाकर के इसका उपयोग कर सकता है। यह विशेष तौर से प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत लाभकारी होगा और वैक्सीन के लिए भी बहुत बड़ा, कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ऐसे अनेक प्रावधान इस बजट में रखे हैं, आदिवासी बंधुओं के लिए भी और नौजवान छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय प्रारंभ, बड़ी तादाद में एकलव्य विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। देश में 100 सैनिक स्कूल भी प्रारंभ होंगे, उसका भी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास के लिए, स्वास्थ्य के लिए पिछले बजट की तुलना में लगभग 135% की बढ़ोतरी की गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चूँकि यह पूरा कोरोना का पिछला वर्ष पूरा कोरोना का वर्ष रहा है, महामारी रही है और उसी को देखते हुए भारत सरकार का यह बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। अनेक बातों का ध्यान इसमें रखा गया है, यह कुल मिलाकर के ये जनहित का बजट है, देश हित का बजट है। 75 साल से जो उभर के हैं उनको इनकम टैक्स में राहत मिली। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी बातों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। हम सब इस बात को जानते हैं कि पिछला वर्ष जो बीता है, पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी का भयंकर संकट रहा है, उसके बावजूद भी यह जो 2021-22 का बजट आया है, यह निश्चित रूप से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बजट है। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट तो पेश कर दिया, इस पर विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आने वाले मध्य प्रदेश के बजट का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि एमपी का बजट भी जल्द पेश होने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री एमपी वासियों के लिए कितनी राहत देने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।